रात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 7 सदा नीरा कावेरी पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कई नदियों के बारे में सुना होगा ना कि हमारे देश में कई नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सतलज, बहुत सारी नदियां हैं। तो आज हम उन्हीं नदियों में से एक नदी कावेरी नदी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। आज अध्यापिका ने गृह कार्य में कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आज अध्यापिका ने, मतलब टीचर ने गृह कार्य में होमवर्क में एक नदी के ऊपर क्या दिया था, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। घर आते ही रम्या ने कपड़े बदल कर खाना खाया और पापा की लाइब्रेरी में पहुँच गई। लाइब्रेरी, पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। दादाजी ने उसे इधर उधर कुछ ढूंढते देखा तो बोले, रम्या यहाँ क्या कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो। रम्या, दादाजी नदियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इसलिए कुछ पुस्तकें ढूंढ रही हूँ। दादाजी, कैसी जानकारी? रम्या बोली, आज हमें कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, क्या आप प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद करेंगे, मैंने सहायता करेंगे? दादाजी, हाँ हाँ रम्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है, पवित्र मतलब शुद्ध। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। यह सदा नीरा नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। रम्या, सदा नीरा मतलब? दादाजी, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे उसे सदा नीरा कहते हैं, माने उस नदी में जो है जल हमेशा भरा रहता है और बहते रहता है। यह नदी बहुत बड़ी है, इसलिए हमें इसमें सदैव खूब पानी रहता है। रम्या, दादाजी इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? दादाजी, इसमें हरंगी, हेमवती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। इस पर बना जलप्रपात भी प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। रम्या बोली, क्यों, उसमें क्या खास है? दादाजी, जब कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तब यह जलप्रपात बनता है। इसकी रेशम सी फुहारे वातावरण को शीतल कर देती है, शीतल मतलब ठंडी कर देती है। दादाजी बोले, एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में अवश्य बताना कि नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी और जीवन के लिए ज़रूरी है, परंतु आज स्थिति यह है कि देश की 70% नदियाँ जो है प्रदूषित है। प्रदूषित माने गंदगी फैल गई है उन नदियों में। आप लोग देखे होंगे ना, कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो नदियों में जाकर बह जाता है, लोग कचरा फेंकते हैं, माने प्रदूषित कर रहे हैं हमारे नदियों को, है ना। इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि नदियाँ नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। तो दादाजी क्या बोल रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए, मतलब इन नदियों की सुरक्षा के लिए हम सबको क्या होगा, आगे आना होगा। और अगर ये नदियाँ ही सूख जाएंगी, इसमें पानी रहेगा, तो हमारी जो मानव सभ्यता है वो भी नहीं बचेगी, मानव सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए, या कोई भी अगर नदियों में, तालाबों में पानी कचरा फेंकता है तो हमें उसे मना करना चाहिए। रम्या बोली, जी दादाजी, मैं अपने प्रोजेक्ट में केवल नदियों के बारे में ही नहीं बताऊंगी, अपितु इनके संरक्षण के लिए भी जागरूक करूंगी, क्योंकि नदियों की कलकल में ही जीवन है। तो रम्या ने कहा, क्या कहा, कि मैं बस प्रोजेक्ट में नदियों के बारे में नहीं बताएगी वो, बल्कि इनकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए उसके लिए भी लोगों को जागरूक करेगी, मैंने चेतावनी देगी। दादाजी बोले, शाबाश रम्या।
तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इस कहानी को पढ़िए और अपने नदियों की सुरक्षा कीजिए।